अस्सलामुअलैकुम आईने न्यूज के साथ मैं हुरुबाबक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। साबिक सदर आसिफ जरदारी दुबई में कोरोना वायरस का शिकार हो गए। ट्विटर पर जारी बयान में साबिक सदर के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ जरदारी का कोरोना टेस्ट मस्बत आने की इतला दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ जरदारी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हैं, हल्की अलामत के साथ उन्हें क्वारंटीना कर दिया गया है और उनका इलाज जारी है। उन्होंने अपने वालिद और साबिक सदर की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। आरिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक तारिक रोड ट्रेजर्स अलायंस के सदर इलियास मीमन और सीनियर नायब सदर मोहम्मद इलियास भट्ट ने जमात इस्लामी के जेर एहतमाम एहतजाजी कैंप में खसूसी शिरकत की। दौरान खिताब इलियास मीमन ने इस अजम का इजहार किया कि अब वक्त आ गया है कि कराची की ताजे बरादरी के इलेक्ट्रिक के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। कराची के ताजे बिजली के बिलों में GST को मुस्तरद करते हैं। जब तक बिजली के बिलों से FBR नाजायज GST ख़त्म नहीं करते कि इलेक्ट्रिक के बिल नहीं जमा करवाएंगे। कराची के ताजे बरादरी मुत्तहद होकर इस नाजायज टैक्स के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इलियास मीमन ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान को मुश्किल वक्त में कराची की ताजे बरादरी का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया और एहतजाजी कैंप की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। बाद इलियास मीमन ने अलामती एहतजाजी मार्च में भी शिरकत की जो कि के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर इख्तिताम पसीर हुई। एहतजाजी कैंप और रैली में कराची की तमाम अहम मार्केटों के मौजूद लीडरान भी शरीक थे। लोरा लाई बलोचिस्तान से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद तारिक बशीर आरई के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जॉब ट्रेन साहिबजादा बिलाल उमर की हिदायत और कायम मुकाम SSP सरदार नसरुल्ला खान हमदाजई के अहकाम पर SHO पुलिस थाना सदर इंस्पेक्टर अब्दुल करीम मंदोखेल की सरबराही में पुलिस नफरी और ईगल स्क्वाड ने बागड़ी मैदान में लागदर नेका कब्रिस्तान के करीब एक शख्स मतीउल्ला वल्द मुर्तजा खान कौम लोनी सखना महाजिर अड्डा लोरालाई से एक अदद राइफल 223 बीमा 30 अदद कारतूस बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ पुलिस थाना सदर लोरालाई में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश की जा रही है। फर्जंदे खुशाब नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पंजाब मलिक इलियास ऐवान की सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद इस्लामाबाद से वापसी पर कट्टा चौक खुशाब आमद पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। खुशाब चौधरी परवेज इलाही और मलिक इलियास ऐवान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले और चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब बनने के बाद फर्जंदे खुशाब नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पंजाब मलिक इलियास ऐवान का इस्लामाबाद से वापसी पर कट्टा चौक खुशाब पहुंचने पर सैकड़ों वर्कर्स और दोस्त अहबाब की जानिब से ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। रोजनामा मेरा मुल्क कराची लाहौर सरगोधा इस्लामाबाद से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार
पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। रिपोर्ट कर रहे हैं जिला लोरालाई बलूचिस्तान से आईएनएन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद तारिक बशीर अराई के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। इमाम बारगाह के तमाम गुजरगाहों में आने वाली तमाम दुकानों की जाँच पड़ताल की जाएगी, जबकि रोड पर सफाई सुथराई सिक्योरिटी क्लियरेंस के खसूसी इंतजाम भी किए जाएंगे। मजालिस और जलूस के दौरान सिक्योरिटी के फराइज पुलिस और एफसी के जवान अदा करेंगे। तमाम मुतालिका इदारे मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में बाहमी राब्तों और इश्तराक से इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए जल्द अज जल्द इकदाम करें। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी ने मुहर्रम उल हराम की मजालिस के इंतजामात का जायजा लेने के हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए किया। खबर शामिल करते हैं आईएनएन न्यूज़ रिपोर्टर फारूक अहमद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक, नशा ज्यादा चढ़ गया तो मवाली को फौत बीवी याद आ गई। फौत बीवी की याद आने पर मेहराबपुर के करीब विकी नामी मवाली बिजली के पोल पर चढ़ गया। मेरी बीवी ऊपर है, उसे लेने जा रहा हूँ। विकी मवाली के पोल पर चढ़ने की इतला के बाद सैप को अफसरान की दौड़े लग गई। एक घंटे बाद रेस्क्यू करके मवाली को बिजली के पोल से उतार कर बिजली बहाल कर दी गई। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद तारिक बशीर अराई के मुताबिक, हाशिम प्रीमियर लीग बमकाम लोनी आबाद के सिलसिले में एक खूबसूरत फाइनल मैच बोरेवाल स्पोर्ट्स बमकाबला गोल्डन क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया, जो बोरेवाल स्पोर्ट्स ने अपने नाम कर लिया। जीतने वाली टीम को इनाम में गाड़ी दी गई, जबकि हारने वाली टीम को मोटरसाइकिल दी गई। लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग में मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर के नामवर शौरा ने शिरकत करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। समाजी शख्सियत इकबाल नबी के हुजरे सराय नौरंग में मुशायरा मरोतो जिर का मुनक्किद हुआ, जिसमें लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों से मुकामी शायरों ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिससे शुरका खूब लुत्फानंदोज हुए और उन्हें खूब दाद दी गई। समाजी शख्सियत इकबाल नबी खान ने खिताब करते हुए कहा है कि वक्तन फवक्तन मुशायरे का इनेकाद नहायत ज़रूरी है, इससे अमनो अमान को तकवीत मिलती है। उन्होंने इलाके मरवत के शौरा पर जोर देते हुए कहा कि अपनी शायरी में नौजवान नस्ल में मस्बत तब्दीली के लिए कोशिश करें, ताकि यहाँ का इलाका अमन का गहवारा बन जाए। زو پخپل داس شاعر مہر ینا خپل جانان خپل ول غواڑے پروانہ لک پورس و زدل غواڑے او دیلکه او دمه مصدر صاحب د ټولو نا مخ السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نا مخ بخشنا غواڼه چربن نواخس हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनएन न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।